ये सर देखिए टेस्ट तो है, ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है। यहाँ से भी आप आवाज बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से बढ़ाओगे ना तो आवाज ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से वॉल्यूम चलाएं, इसका प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है। ये टेस्टिंग का है, ओके, टेस्टेड है, और मैं इसको पैक करके आपको भेजता हूँ, ओके। मशीन ये रखा हुआ है, पूरा फ्रेश कंडीशन में ही रखा है मेरे पास। नो कॉपीराइट म्यूजिक चलाया मैंने इस पे, ओके। बाकी वीडियो तो मैंने सेंड कर दिया ऑलरेडी। तो सर जी ये देखिए आपका मैंने चला के तो दिखाया वीडियो, ठीक है, वो सब सेंड करूँगा। ये आपका बॉक्स भी रखा है, यहाँ लाइट चला गया है, लेकिन कनेक्शन सिर्फ आपको मेरे को बताना है कि कनेक्शन कैसे करना है, ओके। तो ये बॉक्स अभी हमने यहाँ रख दिया दरवाजे की तरफ ताकि उजाला आ सके। वो ब्लूटूथ मशीन भी उठा लेना और क्लिप भी उठा लेना, ब्लूटूथ मशीन वो चेयर पर रखा हुआ। तो सिर्फ आपको दिखाना है सेफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें तार गलत नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन है, ये 4 ओम है, ठीक है। 2 ओम में कम पावर आता है, इसमें नहीं लगाना आपको, ये वाले डब्बे नहीं लगाना इसमें, ठीक है। ये इसमें चलेगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे क्या होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले ये स्पीकर बॉक्स का वायर ले लेना आपको, दोनों का वायर है। ब्लू वाला जो है प्लस है, ठीक है, ब्लू वाला जो है प्लस में है, दोनों को मिला लेना इसे, ठीक है। दोनों ये जो जो दोनों ब्लू ब्लू है वो साथ में कर दिया है, और जो वाइट वाला है ये माइनस है, ये साथ में कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लू वाला है ना, जो ये सबसे पहले कॉमन में आपका वाइट वाला जाएगा, जो माइनस वाला होता है। इसमें यहाँ होल दिया हुआ है, ये साइड में यहाँ पे एक होल है, उसमें आपको इसको डाल देना है इस तरीके से, और इसे यहाँ जो है टाइट कर देना है, ठीक है। तार आपस में ना चिपके, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अपना जो है ये प्लस वाला जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला आपका इसमें लगेगा, ठीक है। इसमें होल दिया हुआ साइड में एक, यहाँ पे ये देखिए जैसे एक होल दिख रहा है ना, ये अभी नीचे से इसमें जो है वायर डालेंगे हम। आप ऊपर से भी डाल सकते हो, नीचे से भी डाल सकते हो। यहाँ से ये डाई वायर आ गया और इसको यूँ कस दिया, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीकर कनेक्शन, ओके, ये मशीन का। अब ये ब्लूटूथ डिवाइस जो मैं साथ में भेज रहा हूँ, इसमें ये केबल भी रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये केबल है, तो ये दोनों जो RCA वाला है, इसके पीछे यहाँ पे ये वाला जो दिया है ना, लाल में लाल और सफ़ेद में सफ़ेद, या सिर्फ इन दोनों में लगा देना है, क्योंकि ये तो मोनो है, इसलिए बस यहाँ लगाना है, और इस वाले को लाइन इन में लगा देना है यहाँ पे, ओके। बस ये लगा दिया हमने, इसमें लाइन आउट में नहीं, इसमें कोई दूसरा मशीन चलेगा तो इसमें आएगा, नहीं तो इसमें नहीं लगना है, सिर्फ ये आपका यहाँ लगेगा, ठीक है। अभी ये मशीन है आपका, यहाँ रख दिया, कनेक्शन आपका हो गया है, स्पीकर का यहाँ हो गया है, माइनस का इसमें लगा दिए कॉम में, प्लस का 4 ओम्स में लगा दिया यहाँ, ठीक है। कनेक्शन में कोई दिक्कत हो तो आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है, या कॉल भी कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो के बाद में तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है मशीन आपका, बस ये बटन यहाँ स्विच दिया हुआ है, जो नीचे की तरफ ऑफ रहता है, और ऊपर को करोगे ना यहाँ, तो यहाँ ऑन होगा। और जब भी मशीन चालू बंद करें तो वॉल्यूम इसका ज़रूर डाउन करके ही रखें, बाकी सब नॉब मैंने कम कर रखे हैं इसके, बाकी ये सेटिंग अपने हिसाब से कर लें, ठीक है।
फिर इस नॉब वॉब का ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब मैं यहाँ पे अभी चला नहीं रहा हूँ क्योंकि लाइट ही नहीं है, आप देखिए टोटल अंधेरा पड़ा, नहीं तो मैं आपको चला के भी दिखा देता यहाँ। बस मेरे को आपको कनेक्शन दिखाना था कि किस तरीके से कनेक्शन करना है, तो वो कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है। और इसको ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करने के लिए इसमें भी ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ठीक है, बैक साइड में। जब आप मशीन को ऑफ करें, ठीक है, जैसे बजा लिया इससे कनेक्ट वनेक्ट करके, तो सबसे पहले आपको इस स्विच से बंद करना है आपको यहाँ से। ओके, टॉर्च जलाना जरा, मोबाइल की वो रखा हुआ, डबल क्लिक पे चल जाएगी। इसका नॉब नीचे है ना, तो ये अभी बंद है, जब ऊपर को चालू करेंगे ना तब यहाँ ऑन होगा। तो आपको वॉल्यूम मद्धा कर लिया सबसे पहले यहाँ, जितना भी आप चला रहे हैं वॉल्यूम मद्धा कर लिया यहाँ से। फिर इसके बाद इसको ऑफ़ किया, थोड़ा इधर को कर, हाँ तो इसको ऑफ़ किया। उसके बाद 20 सेकंड रुकना है, 20 सेकंड बाद मशीन ऑफ होता है, क्योंकि इस करंट ज़्यादा लेता तो एकदम से करंट नहीं जाता है। 20 सेकंड बाद ये लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा, 20 सेकंड रुकने के बाद में। ओके, 20 सेकंड रुकने के बाद में, 20 सेकंड रुकने के बाद में आपको यहाँ पे जो है फिर इस स्विच से आपको ऑफ करना है, नहीं तो जैसे ही आप ऑफ करेंगे ना तो फट से आवाज़ करती है बहुत जम के, तो वो आवाज़ वगैरह क्या शॉर्ट वगैरह भी, शॉर्ट तो नहीं करती क्योंकि बंद हो जाती, लेकिन वो भम भम की आवाज़ नहीं आएगी, आराम से जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। और यदि आप पीछे वो हॉर्न होते हैं ना जो चौंगे लगते हैं मंदिरों में, अगर वो लगाएंगे पीछे, तो इसको यहाँ से ही वो आउट कर लेना, बाहर हो जाएगा ना तो चौंगे भी चलने लगेंगे, ठीक है। चोंगे नहीं चलाना, बड़े डब्बे ही चलाना, तो इसको अंदर करके चलाइए, ठीक है, ये बाहर और ये अंदर। यहाँ पे आपका जो है हॉर्न चलेगा ये, ठीक है, और यहाँ पे जो 15 इंच पे ही सेट करके भेज रहा हूँ मैं इसको। ओके, और यहाँ पे जो है चोंगे लगाने के लिए आपका वो जितना भी है उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉमन है, और ये 100 वाट 70 वाट जितना भी आपका है उस हिसाब से आप लगा के इसमें चला सकते हैं। ओके, ठीक है सर, बाकी मैं इसको पैक करता हूँ, प्रोसेस पे डालता हूँ आपका, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स जो है पैक कर रहे हैं, कार्टून लगा के पूरा ये, ठीक है, इस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं इस चीज़ का, बॉक्स का पूरा कार्टून लगा दिया यहाँ पे, बॉक्स अंदर यहाँ है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे कार्टून लगाया अभी हमने, कार्टून ला के इस तरीके से पैकिंग चल रहा है पूरा, टेपिंग वगैरह। अभी एक बॉक्स जो है ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर से इसको उठा के लाना है, नीचे वाले रूम में लाया हूँ मैं अपने यहाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से टेपिंग हो रहा है इसके अंदर, अब इसमें डबल वाला पन्नी चढ़ेगा, तो सर जी आपका एक बॉक्स तो वहाँ पैक करके रखा हुआ है, बाकी दूसरा भी यहाँ नीचे लाए हैं अभी। और ये वायर देखिए इसका बाहर ना निकले, उसके लिए जो हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से अंदर डालना है, ये पूरा वायर अंदर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ अंदर डाल दिया है मैंने, तो ये ऊपर की तरफ से बाहर निकला हुआ है, नीचे वाला हिस्सा अंदर है। तो जब आप इसको निकालें तो देखिए पूरा अंदर कर दिया ना, तो ये नीचे वाला हिस्सा आपको नीचे से वाला वायर, ऊपर वाला नहीं खींचना है ना, नीचे वाला खींचना है यू, ठीक है। ये वाला मत खींचिएगा, ये अंदर मैंने लॉक कर रखा है, ये यहाँ से खींचिएगा आप। ओके, नीचे वाला ये देखिए सर, यहाँ पे ब्लूटूथ मशीन यहाँ ऊपर रख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये रिमोट यहाँ रख दिया है, ठीक है, ये रख दिया, और ये यहाँ पे, ओके, इस तरीके से रख के यहाँ पे, और ये भेज रहा हूँ। ठीक है सर, मशीन इसमें ही डाल दिया है आपका। मैंने सर मशीन यहाँ बीच में रखी थी ना, यहाँ नहीं रखी है, अभी मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सही साइड फिटिंग आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ साइड में मशीन डाल दी है, और वहाँ पे आपका रिमोट वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी ये जो है अपनी ये केबल, ठीक है, ये इसमें डाल दिए यहाँ, और ये HDMI केबल भी आपका यहाँ रख दिया इसके ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पे रख दिया मैंने, अब मैं जो है इसको पैक कर देता हूँ। ओके, अब इसका पैकिंग होगा टेप वगैरह लगा के। ये देखिए सर, बैटरी वाले ऑटो में इस तरीके से आ जाएगा, मशीन आपका यहाँ रख दिया है, और स्पीकर बॉक्स यहाँ रख दिया है ये, ठीक है, बैटरी वाला ऑटो है ये। ओके, इस तरीके से रख दिया, आप भी ऐसे ही रख के ले जाइएगा वहाँ से। ओके,